तो मैं आप सभी को सलाम करता हूं और सभी की मां को झुककर प्रणाम करता हूं। जरा सुनिएगा, बिकॉज मदर इज अ कंप्लीट इमोशन, मदर इज अ कंप्लीट डेडिकेशन, मदर इज अ कंप्लीट attraction, mother is a complete love and complete motivation, complete cooperation and collaboration. So we should always respect our mothers. So suniyega zara ki maa tu hai kahan, maa tu hai kahan, tu hi hai mera jahan, maa tu hai kahan, maa tere aanchal ke chhau mein dhoondta hu apna aashiyan, maa tu hai kahan, maa tu hai kahan, maa tu hai kahan, maa jo hamare liye mother sacrifice karti hain, jab पेट में रखना, 9 महीने पैदाइश करना, हमारी परवरिश करना, बहुत ज़्यादा वो सेक्रीफाइस करती हैं। कि सुनिएगा कि वो तेरा बारिश में, मेरे लिए बारिश में भीगना, धूप में जलना, देर से सोना, सवेरे का उठना, अपनी ख्वाहिश को मिटाकर मेरी ख्वाहिश को पूरा करना, अपने पेट को काट करके मेरा पेट भरना। हाउ कैन आई फॉरगेट दिस माँ, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस माँ, आई कैन नेवर फॉरगेट दिस माँ, बिकॉज आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। माँ अगर मैं माँ से मैं अपना कंपेयर कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ कि अगर मैं इतना हूँ तो माँ इतनी है, अगर माँ ये संसार है तो मैं उस संसार की एक गली हूँ, एक मोहल्ला हूँ, एक घर हूँ। जरा देखिएगा कि माँ अगर मैं लफ्ज हूँ, लफ्ज का मतलब वर्ड, शब्द, अगर मैं लफ्ज हूँ तो तू अल्फाज है, अल्फाज का मतलब पूरा सेंटेंस, पूरा वाक, अगर मैं लफ्ज हूँ तो तू अल्फाज है, अगर मैं तलफ्फुज हूँ तो तू कशिश है, तलफ्फुज मतलब प्रोनंसिएशन, उच्चारण, और कशिश मतलब अट्रैक्शन, अगर मैं लफ्ज हूँ तो तू अल्फाज है, अगर मैं तलफ्फुज हूँ तो तू कशिश है, अगर मैं जिस्म हूँ तो तू जान है, माँ इस तुंदन्हे से परिंदे का खुला हुआ आसमान है। माँ तू है कहाँ, तू ही है मेरा जहाँ, तू ही है मेरा जहाँ। माँ तू है तो हिम्मत है, तू है तो रहमत है, तू है तो जन्नत है, माँ तू ही मेरी ताकत है, माँ तू ही मेरी मोहब्बत है, माँ तू है कहाँ, तुझे ढूंढती है ये निगाहें, माँ तू है कहाँ, आई लव यू माँ, आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। आजकल प्यार की जिंदगानी बहुत चल रही है, मोहब्बत हर गली हर चौराहे पे मिल जाती है, लोग इश्क की बात करते हैं, महबूबा की बात करते हैं। मैं इसमें एक वर्ड, एक शब्द यूज करूंगा, सनम। सनम का एक मतलब होता है मूर्ति, आइडोल, स्टैचू। एक सनम का मतलब होता है महबूबा और एक सनम का मतलब होता है प्री। जो मैं माँ के लिए यूज़ करूँगा, मतलब प्री, मेरे लिए बहुत ही क्लोज, मेरे लिए बहुत ही प्यारी। कि माँ मैंने भी देखा है इस जहाँ में आशिक कई, पर तुझसे खूबसूरत कोई सनम नहीं है। मैंने भी देखा है इस जहाँ में आशिक कई, पर तुझसे खूबसूरत कोई सनम नहीं है। महबूबा की बाहों में मरना चाहते हैं बहुत से लोग, पर तेरे आँचल से प्यारा कोई कफन नहीं है, पर तेरे आँचल से प्यारा कोई कफन नहीं है। माँ तू है कहाँ, तुझे ढूंढती है ये निगाहें, माँ आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। रमेश सोच की दो लाइन मुझे याद आ रही है कि माँ कितना भी रोए उसका दामन कभी नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। माँ तू है कहाँ, माँ आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के पास उनकी माँ होंगी, कुछ लोगों के पास माँ नहीं होती है, कुछ लोगों की माँ उनसे दूर होती है, और कुछ लोगों की माँ ज़िंदगी भर के लिए दूर चली जाती है। मैं अपने बारे में बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरा ये खुद की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी माँ बहुत दूर चली गई। तो मैं कहना चाहूँगा कि माँ तूने कहा था कि एक दिन मेरे पास शोहरत होगी, इज्जत होगी, तालीम होगी, आज ये सब तो है पर तू नहीं है। तूने एक बार कहा था कि मेरे पास शोहरत होगी, इज्जत होगी, तालीम होगी, तालीम मतलब शिक्षा, इल्म, तालीम होगी, इज्जत होगी, आज ये सब तो है पर तू नहीं है। तूने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि ये सब तो होगा पर मैं नहीं होंगी। आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। माँ तू है कहाँ, माँ तू ही है मेरा जहाँ, प्लीज़ कम इन माई लाइफ वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।